हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हूँ गोविंद, आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मलयालम की सुपरहिट फिल्म जिसका नाम अय्यप्पन कौशियन था। इस फिल्म में सुकुमारन के साथ रिजू मेनन थे और ये फिल्म उस समय बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसकी अभी भी चर्चा है। इसे और किस भाषा में बनाया जा रहा है और हिंदी में जो इसका रीमेक बनेगा उसमें कौन कौन कलाकार हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अय्यप्पन कौशियन के बारे में बात करते हैं जिसे निर्देशित किया था सची ने। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अय्यप्पन और कौशियन ये दोनों किरदार विजू मेनन और सुकुमारन इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। फिल्म में एक छोटी सी घटना शुरू होती है जहां पर विजू मेनन अपने कार से अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जहां पर लिकर प्रोहिबिशन है उस एरिया से वह गुजरने वाले हैं जहां पर विजू मेनन की गाड़ी में बहुत सारे लिकर का बोतल रखा हुआ और वो खुद नशे में है। वहां पर पृथ्वीराज उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी यहां से आगे बढ़ती है, कैसे ये एक दूसरे को पटकने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। यह सारा फिल्म यहाँ से शुरू होता है और काफ़ी मज़ेदार सीक्वेंसेस बनाए गए हैं। पटकथा बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक इसकी हिंदी की बात करें तो इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ अभिषेक बच्चन को लिया गया था, लेकिन किसी कारण से, किसी पर्सनल रीजन के चलते अभिषेक बच्चन ने यह फिल्म छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्म छोड़ते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन जॉन अब्राहम के साथ मैं दोबारा जरूर काम करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जॉन के साथ दोस्ताना और धूम में काम किया था। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि इस फिल्म के हिंदी रीमेक में अभिषेक बच्चन की जगह कौन होंगे। जाहिर सी बात है कि ये जब फिल्म बनेगी तो एक अच्छे कलाकार की जरूरत पड़ेगी। वैसे इस फिल्म को नवंबर में फ्लोर में लाया जाएगा, यहां पर फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 जो 13 मई को रिलीज होने वाली थी ईद के मौके पर, पैंडेमिक के कारण उस रिलीज डेट को टाल दिया गया है और इसमें वीएफएक्स को फिर से एक बार किया जा रहा है ताकि यह फिल्म और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित करे। तो इसके डायरेक्टर मिलाप जवेरी का कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को और भी अच्छे तरीके से दर्शकों के सामने लाएं। तो उम्मीद करते हैं कि सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 1 की तरह ही एक अच्छी फिल्म होगी और लोगों को मनोरंजन देगी। वैसे अय्यप्पन कौशियन के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी तेलुगु रीमेक जो कि 2022 में मकर संक्रांति में रिलीज होने वाली है, इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ राणा दग्गुबाट्टी और नित्या मेनन नजर आएंगे। तो दोस्तों अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अय्यप्पन कौशियन का जो हिंदी रीमेक बनने वाला है उसमें जॉन अब्राहम के साथ इस बार कौन होंगे। और इतनी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग है इस फिल्म में जिस तरह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, अगर उसको सही तरीके से हिंदी में लाया जाएगा तो ये फिल्म जरूर धमाका करेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ये बताएं कि आप अय्यप्पन कौशियन की जो हिंदी रीमेक होगी क्या उसको देखना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।